अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारे लिए प्रैक्टिकल है 8335 इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर का ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट पीरियड में भी हमने लोड कैलकुलेशन के बारे में पढ़ा था। तो हमारा ये जो कॉलेज है, इसका जो हॉस्टल है, इसका लोड कैलकुलेशन KIT हॉस्टल कायदे आज़म हॉस्टल का हमने लास्ट टाइम पर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो है इसका लोड कैलकुलेट किया था। इसी तरीके से आज जो कायदे आज़म हॉस्टल का जो है फर्स्ट फ्लोर का लोड जो हम कैलकुलेट करेंगे, पहले जो हम उस लोड को फिजिकल जो है जो इलेक्ट्रिकल एसेसरीज इंस्टॉल है वहाँ पर उसके नमन कलेचर और उसकी क्वान्टिटी जो है नम उसको हम जो है वो नोट करेंगे। और इसी तरीके से गार्डिंग कीजिए, इसके जो है वो हैं अपरेटस हैं, सबसे पहले गैलरी, उसके बाद है बॉर्डर रूम, रूम नंबर 101 102 103 104 105 106 107 108 और 109, और लास्ट आ जाता है बाथरूम। ये फर्स्ट फ्लोर है, इसलिए हमने रूम नंबर 1 को 101 लिया, रूम नंबर 2 को 102 लिया है। तो सबसे पहले आ जाता है गैलरी में। गैलरी के अंदर में आइए, हमने एक टेबल बनाया, सीरियल नंबर, नॉमन कलेक्टर नाम। आगे सस्ती आ जाती है ट्यूबलाइट्स, लार्ज ट्यूबलाइट्स कमाल, सीलिंग फैंस, एग्जॉस्ट फैंस, लाइट प्लग्स, पावर प्लग्स और लैंप्स। ये हमारी वहाँ पर इंस्टॉल है एक्सेसरीज हैं, और हम जिसको अब बारी बारी डिस्कस करेंगे कि गैलरी के अंदर जो है हमारे पास 08 ट्यूबलाइट्स जो वो लगी हुई हैं, उसके अलावा जो है ट्यूबलाइट समाल सीलिंग फैन, इसके सिर्फ जो है पावर प्लग, ये दो चीजें स्टार्ट हमारी गैलरी के अंदर थी। उसके बाद बॉर्डर रूम है, उसके अंदर दो लार्ज ट्यूबलाइट्स हैं, दो सीलिंग फैन हैं, एक एग्जॉस्ट फैन है, दो लाइट प्लग्स हैं, एक हमारे पास लैंप है। ये चीजें हमारी जो है बॉर्डर रूम के अंदर जो है इंस्टॉल्ड है। इस तरीके से रूम नंबर 101, इसके अंदर तीन ट्यूबलाइट्स, एक सीलिंग फैन, एक लाइट प्लग और तीन लैंप्स जो है ये हमारे इसके अंदर जो है इंस्टॉल है रूम नंबर 101 के साथ अंदर है। इस तरीके से 102 है, दो ट्यूबलाइट्स, एक सीलिंग फैन, दो लाइट प्लग्स और तीन लैंप्स, ये हमारे रूम नंबर 102 के अंदर जो है इंस्टॉल है। इसी तरीके से रूम नंबर 103, 03 ट्यूबलाइट्स, 02 सीलिंग फैंस, 03 लाइट प्लग्स, 04 लैंप्स, ये हमारे रूम नंबर 103 के अंदर जब इंस्टॉल्ड है। अगर रूम नंबर 104 ट्यूबलाइट्स 05, ऊपर आपने देखा होगा कि 02 03 ट्यूबलाइट्स हम उसको काउंट कर रहे थे, यहाँ पर 05। इसका मकसद ये है कि इस कमरे का साइज है वो बाथरूम के पर बड़ा है, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ ट्यूब जो है वो ज्यादा है। सीलिंग फैन 02, लाइट प्लग 04, लैंप 02, ये है इसके रूम नंबर 104 का लोड जो था। अब 105 और 106 ये इनका सेम लोड है, इसलिए हमने ये एक एंट्री का बना दिया दोनों कंबाइंड। 06 का मतलब ये है कि इसके अंदर तीन तीन ट्यूब लाइट्स हैं, 03 सीलिंग फैन, एक अंदर जो है दो पंखे लगे हुए और एक अंदर एक लगा हुआ है, 04 लाइट प्लग्स, आगे 107, 108 और 109, तीन जो है यहाँ पर जो रूम्स का इसका लोड है। 10 इसके अंदर ट्यूब लाइट्स हैं, 6 इसके अंदर पंखे हैं, 6 इसके अंदर ट्यूब लाइट प्लग्स हैं और 4 इनके अंदर लैंप्स हैं। उसके बाद लास्ट आ जाता है बाथरूम। बाथरूम के अंदर जो है 4 ट्यूबलाइट्स लार्ज हैं, 3 जो है वो छोटी हैं, 2 इसके अंदर एग्जॉस्ट फैन है, ये इसका बाथ का लोड है। तो जितना हमारा कनेक्टेड एक्सेसरीज है उसको हम नोट कर देते हैं और साथ उसका नाउन के कौन सी जगह पर ये इंस्टॉल्ड है। इस तरीके से हम एक डेटा के लिए कलेक्ट करने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए टेबल बना लेते हैं। अब मिसाल है ट्यूबलाइट्स है, तो नीचे सब लिखा ग्रैंड टोटल, कि इस फर्स्ट फ्लोर के ऊपर टोटल 43 ट्यूबलाइट्स हैं, 03 जो है वो समाल ट्यूबलाइट्स हैं, 17 सीलिंग फैंस हैं,
03 जो है वो एग्जॉस्ट फैन है, 22 जो है इसके अंदर लाइट प्लग्स हैं और एक पावर प्लग है, और इसके अंदर जो लैंप्स हैं ये 17 है। तो हर स्टूड जो है जो हम 5-5, 6-6 का ग्रुप बनवाकर जो है इसको लोड कैलकुलेट करवाते हैं। जो फिजिकली लोड इंस्टॉल होता है उसको स्टूडेंट जब वो चेक करते हैं, चेक करने के बाद अपनी नोटबुक के अंदर उसको नोट कर लेते हैं और फिर वापस आकर इस तरह का टेबल जब वो बनाते हैं और उसके अंदर ये काउंटिंग करते हैं कि हमारे पास कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी के अंदर मौजूद है। इससे हमें इनकी ये जो है हमने इसका मकसद ये है कि ये जो हमने क्वान्टिटी जो वो इसकी नोट किया है, उसके बाद इसकी वाटेज होगी ईच कंपोनेंट की। सारे ट्यूब लाइट्स हैं तो इसकी अलग वाटेज होगी एक की, और जो टोटल क्वांटिटी उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से जो है हम इसको काउंट करना या नोट करना या ये आसान हो जाता है। ये जितना हमने पढ़ा है इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप इनबॉक्स के अंदर कमेंट्स करें, और बाकी जो है हम इस नेक्स्ट पीरियड को इसको कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।